तो बच्चों हम कर रहे हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और आज का हमारा टॉपिक है वेरी 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 जितने मर्जी वेरी लगा लो इम्पोर्टेंट। नीट में एक क्वेश्चन तो इसका पक्का ही होता ही होता है, इस टॉपिक का श्योर है, ठीक है। और अगर हम थ्योरी एग्जाम की बात करें तो थ्योरी एग्जाम में भी पक्का इस पे एक क्वेश्चन जरूर आता है। और हमारा टॉपिक है आज का रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। एंड कैपेसिटीज इसमें बेटा बहुत सारी जो है वो टर्म्स आएंगी कि रेजिडुअल वॉल्यूम किसको कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम किसको कहते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। तो ऐसी 8-10 डेफिनेशंस हैं, तो बहुत ध्यान से पहले डेफिनेशन सुन लेना, समझ लेना जो इसकी वैल्यूज हैं। मतलब बच्चे मुझे हमेशा ये कहते हैं कि हमें ना ये याद नहीं होता, हमने स्कूल में भी शायद 9th-10th में पढ़ा था लेकिन हमें ना ये नहीं समझ में आता कि 500 ml किसकी कैपेसिटी है, 2500 ml किसकी कैपेसिटी है, ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी, आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, मैंने एक अलग से ही पेज डाला हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन पहले आप ध्यान से सभी की डेफिनेशन को समझेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की, फिर उसके बाद उनकी वैल्यूज को याद करने का तरीका भी डिस्कस करेंगे। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, चाहे थ्योरी में क्वेश्चन आए, चाहे नीट में MCQ आए, आपने हमेशा जो मैं आपको वो टेबल याद करने की बताऊंगी, आपने वो टेबल पहले ड्रॉ करना है, उसमें से कैलकुलेट करना है और फिर ही अपना आंसर निकालना है। सीधा आंसर मत देना कभी भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। एक्चुअली रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने देखो कि दो लोग, कोई भी दो लोग, चाहे वो सेम एज के ही क्यों ना हो, डिफरेंट एज के तो चलो फर्क आएगा ही, सेम एज के ही दो लोगों को आप रनिंग करने को कहो, ठीक है, तो एक जो है काफी देर पहले तक रुक जाएगा और एक आगे तक भागता रहेगा। एक को बहुत जल्दी सांस चढ़ जाएगा तो एक उससे ज्यादा भागकर भी उसको सांस चढ़ेगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सबके लंग्स की कैपेसिटीज, हम सबके लंग्स की वॉल्यूम जो है वो कुछ हद तक डिफरेंट होती है। डिफरेंट का मतलब हम अपनी लंग्स से जितना ज्यादा काम करवाएंगे, जितना हम ब्रीथिंग ज्यादा बड़ी बड़ी करेंगे, बड़े बड़े सांस लेंगे, हमारी लंग की कैपेसिटीज बढ़ जाएंगी। तो अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो लोग रन करते हैं, उस केस में उनको बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है तो उनको बड़े बड़े सांस लेने पड़ते हैं। ऐसा ही होता है ना, जब आप थक जाओ तो आपको बड़े, आपके क्या कहेंगे, बैठ जाओ, लंबे लंबे सांस लो। तो जितनी ज्यादा डीप ब्रीथिंग करते हैं उतनी ज्यादा हमारी लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। क्या क्या कैपेसिटीज हो सकती है? सबसे पहले है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर। इसकी ना एग्जैक्ट डेफिनेशन भी हम करेंगे, साथ साथ में मैं लिख के बताऊंगी, क्योंकि कई बार हमें ना सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाना आ जाता है। मैंने इतने सालों में बहुत बार बच्चों को देखा है सिंपल लैंग्वेज में समझाना आ जाता है लेकिन एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो नहीं याद हो पाती। तो हम दोनों चीजें एक साथ ही करेंगे। वॉल्यूम ऑफ एयर ब्रीथ्ड इन एंड आउट ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। आप नॉर्मल सांस लेने में जितनी एयर इन या आउट करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। आपने अभी कोई जोर नहीं लगाना, कुछ नहीं सोचना, अपने आप सांस चल रही है। आप जितनी ऑक्सीजन को इन कर रहे हो, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हो, बिना जोर लगाए, बिना कुछ किए, वो आपकी क्या है? टाइडल वॉल्यूम। एक नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर टाइडल वॉल्यूम होती है 500 ml, यानी कि बिना जोर लगाए, सिंपल। अब मैं ब्रीथिंग कर रही हूं, ये क्या है? ये मैंने ब्रीथिंग किया है फोर्सफुली, जोर लगा के मैंने ब्रीथिंग किया है, ठीक है। तो जोर नहीं लगाना है, अपने आप नॉर्मल बोलने में जो मेरी ब्रीथिंग हो रही है वो क्या है? मेरा टाइडल वॉल्यूम। और मैक्सिमम हम कितनी ले सकते हैं इसमें? 500 ml इन कर सकते हैं एंड 500 ml ही
आउट कर सकते हैं एयर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, टाइडल वॉल्यूम। सेकेंड जो टर्म है दैट इज आईआरवी, इंस्पिरेटरी। मैम जो ये जो कैपेसिटीज है ये एमएल में क्यों है? एमएल में क्यों है? क्योंकि गैसेस को आप कैसे मेजर करोगे? एक कंटेनर है, हमारे लंग्स एक कंटेनर की तरह है, इसके अंदर गैस है, तो इसको ऐसे ही मेजर कर सकते हैं। गैसेस को इस एरिया में कैसे करोगे? ये गैसेस हमारे अंदर इस तरह से एमएल में ही जो है वो मेजर की जा सकती है। किसने पूछा क्वेश्चन? गैसेस है ना, गैसेस की अमाउंट को कर रहे हैं कि कितना एरिया, कितना वो उसको कवर अप कर लेंगी, कितना भर जाएंगी उसके अंदर, तो इसको हम एमएल में ही कर सकते हैं, नहीं तो क्या यूनिट लेंगे हम? वॉल्यूम नहीं ले सकते? तो एमएल वॉल्यूम ही ले रहे हैं उनकी, ये वॉल्यूम ही है इनकी, वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम के लिए भी तो कैसे लिखोगे वॉल्यूम को? वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट्स यूज करते हैं? मुझे फिजिक्स नहीं आती ज्यादा, वैसे डिक्लेयर्ड फिजिक्स नहीं आती है मुझे। अब वॉल्यूम के लिए क्या यूनिट्स यूज करते हैं? लेंथ वाली यूनिट्स यूज करते हैं। मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, आई थिंक मुझे आती नहीं, पर मैं ऐसे गेस मार रही हूं। वॉल्यूम का मतलब ये होता है ना, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेकिन यहाँ पर हम मिलीलीटर में यूज करते हैं, क्यों करते हैं ये मुझे इसके लिए देखना पड़ेगा। लेकिन जो वॉल्यूम्स हैं वो हमेशा, क्योंकि गैस जो है वो जो हमारे अंदर जाती है तो वो एक अकेली गैस नहीं जाती, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, प्लस जब वो हमारे अंदर जाएंगी, बाहर एटमोसफेयर की कंडीशन अलग है, अंदर अलग है, ठीक है, तो उनका प्रेशर चेंज होने की वजह से वो लिक्विफाई भी हो सकती है। आपको मालूम है आप नाइट्रोजन गैस भी इन करते हैं, मालूम है ये बात? एयर सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं लेते, नाइट्रोजन भी लेते हो, ठीक है, आगे भी बात बताऊंगी, पहले इसे कही रहते हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का क्या मतलब है? जो मैंने अभी किया था जोर लगाकर, नॉर्मल ब्रीथिंग तो होनी होनी है, 500 ml तो जाएगी जाएगी, लेकिन अगर मैं और जोर लगाकर इन करना चाहूं तो वो क्या होगी? मेरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इट इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर। हम कभी भी ऑक्सीजन नहीं लिखेंगे क्योंकि अकेली ऑक्सीजन नहीं आती, और भी गैसेस उसके साथ आती हैं, बहुत ज्यादा जो है अमाउंट में नहीं होती, ट्रेसेस में होती है, लेकिन नाइट्रोजन भी इसमें प्रेजेंट होती है। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर ओवर एंड अबव द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम तो जानी ही जानी है, उसके अलावा जो है दैट कैन बी टेकन इन इन एन इंस्पिरेशन, उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। 500 ml तो आनी आनी है, उसके अलावा ऊपर जोर लगाकर हम कितनी मैक्सिमम एयर को इन कर सकते हैं, वो क्या है हमारी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कितनी कर सकते हैं? 1000 टू 1100 ml। इट इज 2500 ml, और अगर कोई एथलीट है तो मैक्सिमम उसके अंदर 3000 ml भी हो सकती है ये, ठीक है, जोर लगाकर जितनी आप इन कर सकते हो। अब अगली जो है उसमें ये मैं आपको डिफरेंस बताने लगी थी, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब इतनी एयर तो आप बिना जोर लगाए बाहर निकालते ही निकालते हो, प्लस जोर लगाकर मैक्सिमम आप कितनी निकाल सकते हो? 1000 टू 1100 ml, यानी कि एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एयर है आफ्टर नॉर्मल ब्रीथिंग, जब एक्स्ट्रा अमाउंट जो है जोर लगाकर हम कितनी एक्सपेल कर सकते हैं, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यस संयम मैम, जो टाइडल वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है वो मैम इनर आउट का सम है, और सम में या फिर इनर आउट अलग अलग 500 ml, इन और आउट अलग, इन भी 500 आउट भी 500,
दोनों को मिला के नहीं है, इन और आउट। आप ब्रीथिंग में दोनों चीजों को कंसीडर करोगे ना, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, तो नॉर्मल में आप 500 ml ही मैक्सिमम अंदर ले सकते हो और 500 ml ही बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्स्ट्रा जितनी आप अंदर ले सकते हो अबव दिस टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी जितनी आप जोर लगाकर बाहर निकाल सकते हो किसके टाइडल वॉल्यूम के अलावा, ठीक है। ये कितनी होती है 1000 to 1100 ml। मैं आपको ये बताना चाह रही थी डिफरेंस देखो, इन हम ज्यादा कर सकते हैं आउट हम कम करते हैं, मतलब अगर हम फोर्सफुल ब्रीथिंग करें जोर लगा के ब्रीथ इन करें तो हम जो एयर इन करेंगे वो ज्यादा होगी, लेकिन फोर्सफुली जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो वो कम होगी। ऐसा क्यों है? मैंने आपको बोला इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लगभग 1000 to 1100 है, और फिर से मैं गलत देख रही हूँ, जस्ट अ मिनट। इंस्पिरेटरी जो रिजर्व वॉल्यूम है मैक्सिमम 2500 to 3000 ml है, और ये 1100 के राउंड अबाउट है। इतना फर्क क्यों है इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी में? बाकी की एयर फिर कहाँ चली जाती है? मैम वो बॉडी यूज कर लेती है टिश्यूज वगैरह। अच्छा, वो बॉडी यूज कर लेती है, बॉडी तक तो अभी हम पहुंचे ही नहीं। जो एयर हमने इन की है वो तो अभी लंग्स तक पहुंचाने की, एल्वोलाई तक पहुंचाने की बात चल रही है। ये तो अगला स्टेप है रेस्पिरेशन का, गैसियस एक्सचेंज, ये तो पल्मोनरी वेंटिलेशन कर रहे हैं हम अभी, पहला स्टेप सिर्फ एटमोस्फेयर से लंग्स तक पहुंचाना। अब लंग्स से आगे जाना ये तो सेकंड स्टेप है रेस्पिरेशन का, ये तो सिर्फ एल्वोलाई तक गई है, ब्लड तक तो पहुंची ही नहीं अभी है। ये वॉल्यूम्स किसकी कह रही हूं मैं? लंग्स की कह रही हूं, लंग्स से होकर ही है, लंग्स के अंदर ज्यादा जाती है और बाहर जो है वो कम आती है। ऐसे क्यों है? देखो लंग्स मैंने आपको बताया था दे आर लाइक अ बलून जिसको हमेशा ही इन्फ्लेटेड रहने की जरूरत है। चलो इसको हम इस तरीके से समझते हैं, कभी कोई एक्सीडेंट सुना है ऐसा, कार और ट्रक का हेड ऑन कलिजन होगी, हेड ऑन कलिजन समझते हो? आमने सामने से आए और ठा एक दूसरे को यूं सीधा मार दिया, कभी सुना है ऐसा एक्सीडेंट? न्यूज़पेपर में टीवी में दिखाते हैं ना? यस मैम। और उसमें क्या होता है, जो कार का ड्राइवर था ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हुई। जब ऐसा सीवियर हेड ऑन कलिजन होता है तो कार के ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कभी कभी ये जो लंग्स हैं, एक्चुअली हम देखें तो यहाँ पर हमारी ये चेस्ट बोन है स्टर्नम, और ये लंग्स किसके अंदर प्रोटेक्टेड है? रिब्स के अंदर। अब जो पर्सन कार ड्राइव कर रहा होगा उसके आगे स्टेयरिंग होगा, हेड ऑन कलिजन हुई तो उसकी चेस्ट सीधा स्टेयरिंग से जाकर यू जोर से टकराती है, इतने जोर से टकराती है कि ये जो उसके रिब्स हैं ये टूट जाते हैं, और टूट कर जो लंग्स विच इज लाइक अ बलून, जैसे बलून के अंदर पिन डालो ब्लास्ट बर्स्ट हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही लंग्स भी बर्स्ट हो जाती है। इसका मतलब जितनी भी लंग्स के अंदर एयर थी वो सारी निकल जाती है और इमिडिएटली डेथ, कोलैप्स, लंग्स कोलैप्स कर जाती है, ठीक है। इसका कारण क्या है कि लंग्स के अंदर जो कि बलून लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कभी भी ऐसा बलून की तरह बिना फूला हुआ जो बलून होता है, बिना एयर के बलून होता है, कोलैप्स वैसी स्टेट में बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, उसमें किसी भी तरह का गैसियस एक्सचेंज ब्लड के साथ नहीं हो सकता। लंग्स को हमेशा कैसा रहना चाहिए? इन्फ्लेटेड, उसके अंदर हमेशा ही कुछ ना कुछ एयर रहनी ही चाहिए। अगर जितनी एयर इन की है उतनी ही आउट कर देंगे तो क्या होगा, लंग्स क्या हो जाएंगी? कोलैप्स, लंग्स बिल्कुल
कलैप्स हो जाएंगी, तो इस स्टेज में मुश्किल हो जाएगी। जस्ट इससे बचने के लिए हमेशा ही हमारे अंदर कुछ एयर रहती है, तो हम जो एयर इन करते हैं वो ज्यादा है और जो आउट कर सकते हैं वो कंपैरेटिवली कम है। तो ये बची हुई एयर कहाँ रहती है? ये बची हुई एयर ट्रेकिया के अंदर भी होती है, ब्रोंकियाई के अंदर भी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी रेस्पिरेटरी एल्वियोलर डक्ट्स इन सब के अंदर भी होती है, और कुछ हद तक एल्वोलाई के अंदर भी ये रहती है, क्योंकि इतनी एयर रहना जरूरी है ताकि लंग्स जो है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर है वो इन्फ्लेटेड रहे और कलैप्स नहीं हो। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड है हमारी नेक्स्ट वॉल्यूम, दैट इज रेजिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स इवन आफ्टर मैक्सिमम एक्सपिरेशन एफर्ट, जोर लगाकर एक्सपायरेशन करने के बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर रह जाती है वो क्या है? रेजिड्यूअल वॉल्यूम। इस रेजिड्यूअल वॉल्यूम को वी कैन नॉट फोर्स आउट, हम कभी भी जितना मर्जी जोर लगा लें इस रेजिड्यूअल वॉल्यूम को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो कितनी बची? मान लो 2500 है आईआरबी, ठीक है, और 1100 के करीब हमने यार किए एक्सपायरेटरी, तो इसमें से कितना बच गया हमारे पास? 1400। लेकिन कुछ हद तक लगातार एल्वोलाई से ब्लड के अंदर एक्सचेंज भी चलता रहता है, इसीलिए ये वैल्यू आती है 1100 टू 1200 ml, होनी चाहिए 14। लेकिन एट द सेम टाइम ये ऐसे वेट थोड़ी करते हैं कि यहाँ से एयर आएगी तो उसके बाद एल्वोलाई तक पहुंचेगी फिर एल्वोलाई से ब्लड के अंदर जाएगी, ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूस है। बाहर से अंदर भी हम एयर ले रहे हैं, वो अंदर आने वाली एयर एल्वोलाई में भी जा रही है, एल्वोलाई से ब्लड वेसल के अंदर जा रही है, ब्लड से सेल के अंदर जा रही है, लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। तो रेजिड्यूअल वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर रह जाती है दैट इज कम 1100 टू 1200 ml, इतनी रहती है। ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज के लिए इतनी होनी जरूरी है। इवन कि जब आप अपनी सांस रोक भी लें कि मैं कुछ देर के लिए अपनी ब्रीथिंग को रोक रहा हूं, इवन देन आपकी रेजिड्यूअल वॉल्यूम आपके लंग्स के अंदर फिर भी प्रेजेंट है ही है। ठीक है, तो ये होती हैं चार रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। कौन कौन सी? टाइडल वॉल्यूम जो हम नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में ले रहे हैं 500 ml। सेकेंड होगी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जोर लगाकर जो हम इन कर रहे हैं दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 टू 3000 ml मैक्सिमम हो सकती है, वेरी करती है पर्सन की हेल्थ पर, एज पर और कितना वो फिजिकल एक्टिविटी करता है इस पर। तीसरी होती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के अबव जोर लगाकर कितनी एयर को आउट कर सकते हैं दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100 हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं। तो ये बची हुई कहाँ जाती है? बची हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ रेजिड्यूअल वॉल्यूम, और यही रेजिड्यूअल वॉल्यूम हमारी लंग्स को और हमारी ट्रेकिया और जो दूसरी ट्यूब्स हैं उन सबको इन्फ्लेटेड रखती है। रेजिड्यूअल वॉल्यूम इज 1100 टू 1200 ml। अब ये जो वॉल्यूम्स है हमने की टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 25 टू 3000 ml, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 टू 1100 एंड रेजिड्यूअल वॉल्यूम 1100 टू 1200 ml। अब इन सब को मिलाकर ये जो वॉल्यूम्स हैं इन सब को मिलाकर कोई दो को तीन को या सभी को मिलाकर बनती हैं
लंग कैपेसिटीज। अब ये वो चीज है जो हर एक पर्सन में वेरी करेंगी कैपेसिटीज, ठीक है। जोर लगा के मैक्सिमम सभी लोग तकरीबन इतना लेते हैं, लेकिन कैपेसिटी हर एक पर्सन की अलग अलग होती है, ठीक है। तो सबसे पहली कैपेसिटी है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन टेक इन बाय डिस्टेंडिंग द लंग्स टू मैक्सिमम। अपने लंग्स को मैक्सिमम फुलाकर कितनी एयर हम इन कर सकते हैं, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या थी? जोर लगाकर कितना इन कर सकते हैं, ये है। हम मैक्सिमम अपनी लंग्स को इन्फ्लेट कर कितना कर सकते हैं, मतलब हमारी टाइडल वॉल्यूम वो तो आनी ही आनी है, प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ध्यान से दोनों का मीनिंग एक बार फिर से। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या थी? ये जो टाइडल वॉल्यूम है 500, इसको तो छोड़ ही दो, प्लस इसके अलावा ऊपर कितनी 2500 से 3000 जो हम इन कर सकते हैं, वो क्या थी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब दोनों को मिलाकर लंग की कैपेसिटी तो दोनों को मिलाकर होगी, यानी कि हम नॉर्मल भी कितना ले सकते हैं 500 ml, और मैक्सिमम जोर लगाकर हम ले सकते हैं 25 या 3000 ml। तो ये टोटल कितना हो गया? 3000 to 3500 ml, यानी कि एक पर्सन नॉर्मल और जोर लगा के दोनों मिलाकर मैक्सिमम अपनी लंग्स को कितनी एयर से भर सकता है? 3000 to 3500 ml। तो ये हमारी क्या होगी? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और कैपेसिटी में डिफरेंस? मैम 3000 कहाँ से आया? 3000 कहाँ से आया? अगर 2500 है तो 500 प्लस करके 3000। अगर 3000 हमने इसकी लेवल एक फिक्स नहीं ना लिया, मैंने बोला वेरी करता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 to 3000। अगर 2500 मान लें तो 3000 मान लें तो 3500। सेकंड है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अगेन मैक्सिमम एफर्ट्स लगाकर कितनी एयर को एक्सपेल किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है, दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी अगेन टाइडल वॉल्यूम तो होगी होगी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास हमेशा ही 500 ml, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 to 1100 ml, यानी कि ये कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली 1500 ml। किसी किसी में ये मैक्सिमम 2000 भी जा सकते हैं, किसी किसी मतलब एथलीट्स या जो बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, लेकिन एवरेज काम करने वालों में ये 1500 ml तक रह सकती है, मैक्सिमम इतनी जा सकती है। उस केस में टाइडल वॉल्यूम तो बढ़ने नहीं वाली, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लोगों में बढ़ भी सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। नेक्स्ट है FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जब एक इंसान नॉर्मली ब्रीथ करता है तो जितनी एयर उसके लंग्स में रह जाती है आफ्टर एक्सपायरेशन, वो क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब आपने नॉर्मल जो है ब्रीथिंग करी, उसके बावजूद आपकी ट्रेकिया में, आपके ब्रोंकाई में, आपके लंग्स के अंदर जो एयर रह गई है वो क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। मतलब ये वो वॉल्यूम है जो कि एक्सचेंज हो सकती है। तो ये किसके बराबर होगी? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जितनी मैक्सिमम जोर लगा के निकाला है, और जो ट्यूब्स में बची हुई थी रेजिडुअल वॉल्यूम।
1000 प्लस 1500 टोटल 2500 ml जो है लंग्स में और ट्यूब्स के अंदर जो भी ट्यूब्स हैं उनके अंदर बची हुई है, लेकिन वो फंक्शनल है. फंक्शनल मींस अगर वो एल्वोलाई तक पहुंचती है तो आगे जाकर वो जो है एक्सचेंज में ब्लड के अंदर जाकर एक्सचेंज होने में भी काम आ सकती है. नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इतना क्लियर है सबको? इतनी टर्म्स क्लियर हैं? यस मैम. यस मैम. नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार इस पे क्वेश्चन आता है, वाइटल कैपेसिटी. अब ये वो चीज है जो मैंने आपको बोला कि एक यंग है और एक ओल्ड है, एक बूढ़ा इंसान है, दोनों को भागने को कहो, ठीक है, और या दो अलग अलग लोगों को भागने को कहो, तो एक जो है उसको जल्दी सांस चढ़ जाएगा, ब्रेथलेसनेस होने लगेगी और वो रुक जाएगा, और दूसरा जो है वो तेज तक भागता रहेगा, उसको ब्रेथलेसनेस भी कम होगी. तो दोनों में एक्चुअल में फर्क क्या है? वाइटल कैपेसिटी का. वाइटल कैपेसिटी क्या है? पहले डेफिनेशन देखते हैं. टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेशन followed by maximum expiration. Vital capacity क्या है? एक person ने कितना volume of air जो है expire किया, बाहर निकाला, ठीक है, कैसे? पहले deep breathing करके, maximum inspiration करके, फिर maximum expiration, जोर लगा के इन, जोर लगा के बाहर, जोर लगा के इन, जोर लगा के बाहर. इस सारे में कितनी एयर जो है वो अंदर बाहर होती है, वो सारी क्या है? हमारी वाइटल कैपेसिटी. तो वाइटल कैपेसिटी में जो है सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम तो आएगी ही आएगी, प्लस जोर लगा के जो की वो क्या होगी? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन की, मैक्सिमम एक्सपायरेशन, जोर लगा के बाहर निकाला, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम जो कितनी है? 500, इंस्पिरेटरी 2500, एक्सपिरेटरी 1000, 25 एंड 1000, 35 एंड 4000. लेकिन ये इंस्पिरेटरी जो है इसको हम 3000 तक भी मान लेते हैं और इसको 1100 तक भी मान लेते हैं. लेकिन इसके अलावा अबव भी एक्सपायरेटरी जा सकती है, तो एवरेज जो है इट इज 4000 टू 6000 लीटर. अगेन ये किस में होगी? एथलीट्स में. उनमें ये दोनों ही इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी जो वॉल्यूम्स है वो एक नॉर्मल पर्सन से अलग है, लेकिन यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नॉर्मल पर्सन की. तो लगभग 4000 के करीब किसी भी पर्सन की हो सकती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है. हायर किस में होती है? एथलीट्स में. वाइटल कैपेसिटी का एक बहुत सिग्निफिकेंस है, हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन की लंग्स या वो कितना जो है फिजिकली एक्टिव है. हाई वाइटल कैपेसिटी किस में होगी? हमने अभी पढ़ा एथलीट्स में, मैक्सिमम 6 लीटर हो सकती है. लो किस में होगी? नॉन एथलीट्स, जिन्होंने कभी कोई खेल खेला ही नहीं है, कुछ भी नहीं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं. हाई किस में होगी? यंग के अंदर. जो लोग ओल्ड होंगे उनके अंदर वाइटल कैपेसिटी कम होगी. मेन की वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है और वुमेन की वाइटल कैपेसिटी कम होती है. इसके अलावा नॉन सिगरेट स्मोकर, जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते हैं उनकी भी वाइटल कैपेसिटी ज्यादा है और सिगरेट स्मोकर्स की वाइटल कैपेसिटी फिर कम ही रहती है. तो ये वाइटल कैपेसिटी का एक सिग्निफिकेंस है कि इससे हमारी लंग्स की टोटल जो है वो कैपेसिटी का पता चलता है कि वो कितने अच्छे से काम कर रही है. अब इन सबको मिला दें तो वो बन जाती है हमारी टोटल लंग कैपेसिटी, सारी कैपेसिटीज, ठीक है. अब इसको याद करने का तरीका पहले हम बात करते हैं, तो उसमें हमें सारा आ जाएगा. आपको मैंने नोट्स में शायद एक पेज है उसमें ये सारी बनी हुई है, अगर किसी ने नोट्स खोले हुए हैं तो यू कैन चेक कि उसमें मैंने ये सारी इसको करने का तरीका बनाया है. तरीका क्या है? सबसे पहले आप लिखोगे टाइडल वॉल्यूम, हमें पता ही है कितनी होती है,
500 ml. इसके ऊपर लिखना है हमें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. बस यही दो चार हमें याद रखनी है. 2500 ml. एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितनी होती है हमने पढ़ा, 1000 ml. और एक हमें याद करनी है रेजिडुअल वॉल्यूम, 1100 ml. बस इसी से ही हम अपनी सारी कैपेसिटीज निकालेंगे. ठीक है, टोटल इतनी एयर तो आनी आनी है, जोर लगाकर जितनी लगाई इन दोनों को मिलाकर बन गई हमारी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. ऐसे ही टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मिलाकर हमारी क्या बन गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी. ठीक है, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी और रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों को मिलाकर बन गई फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी. ठीक है, तीनों को मिलाकर एक्सपायरेटरी, इंस्पायरेटरी और टाइडल वॉल्यूम, ये हमारी क्या है, वाइटल कैपेसिटी. और अगर चारों ही वॉल्यूम्स को मिला दें तो ये बन गई हमारी टोटल लंग कैपेसिटी. हम नॉर्मल कितना ब्रीथ करते हैं, जोर लगा के कितना इन करते हैं, कितना आउट कर सकते हैं और कितना हमारे अंदर रेजिड्यू रह गया है, ये हमारी बनाती है टोटल लंग कैपेसिटी. टोटल लंग कैपेसिटी जो है किसी भी पर्सन के अंदर वो हो सकती है 3500 to 6000 ml. तो कोविड में हमारी ये वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज ही कम हो रही है. क्यों कम हो रही है, ये देखो ये एक बलून है, इट्स नॉर्मल, तो इसके अंदर आप पूरी एयर फिल कर सकते हो, ज्यादा एयर आएगी. एक दूसरा बलून है, आप उसको अंदर से पेंट कर दो. तो वायरस ने क्या किया है, अंदर इन्फेक्शन कर दी इसकी वॉल्स के अंदर, अब पेंट कर दो. अब कितना इसके अंदर एयर आएगा, क्या इसके अंदर एयर ज्यादा है या इसके अंदर ज्यादा है, किसके अंदर ज्यादा है, फर्स्ट वाले के अंदर जो नॉर्मल है, इसके अंदर एयर ज्यादा फिल हो सकता है क्योंकि इसकी वॉल्स जो है वो अभी श्रिंक नहीं हुई है. और वो श्रिंक कौन करेगा, वायरस या किसी भी तरह की इन्फेक्शन. और इसी कंडीशन को जो है आगे बढ़ते बढ़ते जब ये सारे एल्वोलाई सब तक पहुंच जाएगा तो इट इज निमोनिया. लेकिन एक नॉर्मल पर्सन में इतना होना जरूरी है टोटल लंग कैपेसिटी. तो आपको सिर्फ ये IRV, TV, ERV और RV ये चार याद रखनी है, इन्हीं में से आपको जो है सारी वैल्यूज आएंगी. और ज्यादातर क्वेश्चन आपको जो है MCQ की फॉर्म में यही आता है कि टाइडल वॉल्यूम कितनी है एक नॉर्मल पर्सन में, रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है, या ऐसे ही आता है कि सिचुएशनल क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपने एक एक्सीडेंट के बारे में सुना और ये पढ़ा कि जो ड्राइवर था उसकी इमिडिएटली ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, हेड ऑन कोलिजन थी और ड्राइवर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, तो व्हाट कुड बी द कॉज. तो आपके पास चार ऑप्शन होंगी, पहला ऑप्शन जो मर्जी हो हमारे पास, उसके बाद उसके हार्ट पे इंजरी होगी, क्या होगी, नहीं, सबसे ज्यादा जो है डेथ होने का चांस जो क्या है, हेड ऑन कोलिजन में, कि उसकी लंग्स पे इफेक्ट हुआ, इमिडिएटली डेथ हुई, इसका मतलब लंग्स जो है वो कलैप्स हो गई. जैसे बलून मैंने आपको बोला उसमें पिन लगाओ तो वो बर्स्ट हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही लंग्स बर्स्ट हो गई उसकी, इसीलिए उसकी डेथ हो गई. ठीक है, क्लियर है बेटा.